एआईबीटेक में स्वागत है दोस्तों, आप सभी का। दोस्तों आज की स्टूडियो में कंपेयर करने वाला हूं दो स्मार्ट वॉच के बारे में, जिसमें से पहला स्मार्ट वॉच हो जाता है फायरबोल्ट का फायरबोल्ट बीम कॉलिंग, वहीं दूसरा स्मार्ट वॉच हो जाता है फायरबोल्ट का ही फायरबोल्ट निंजा बेल स्मार्ट वॉच। तो कैसे इन दोनों कंपेयर कर लेते हैं और आपके लिए बताता हूँ कौन सा ज्यादा बेहतरीन स्मार्ट वॉच हो जाता है आपके लिए आपके प्राइस पॉइंट के हिसाब से। साथ में आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस कर ही लेना, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोज आपके लिए प्रोवाइड करते रहता हूँ। तो गाइस यहाँ पर अगर आपका कोई भी क्वेरीज भी रहने वाला था, आप मुझे इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, एंड फॉलो भी कर ही लेना। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस की डिस्प्ले के बारे में। आपको फायरबोल्ट बीम कॉलिंग स्मार्ट वॉच में 1.72 इंच की रेक्टेंगल शेप की बिगर HD डिस्प्ले मिल जाने वाली है। साथ में यहाँ पर आपको मल्टीपल वॉच फेसेस के भी सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाने वाले हैं। वहीं दोस्तों बात करते हैं फायरबोल्ट निंजा बेल स्मार्ट वॉच की, यहाँ पर आपको 1.69 इंच की रेक्टेंगल शेप की एक LCD डिस्प्ले मिल जाने वाली है। साथ में यहाँ पर भी आपको मल्टीपल वॉच फेसेस वगैरह के सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाने वाले हैं। और दोस्तों यहाँ पर आपको निंजा बेल स्मार्ट वॉच साथ साथ आपको बीम कॉलिंग स्मार्ट वॉच, इन दोनों में आपको ब्लूटूथ कॉलिंग का फीचर्स मिल जाने वाला है। तो गाइस इन दोनों ही स्मार्ट वॉच से आप कोई भी कॉल कर सकते हो, कोई कॉल आता है रिसीव करके बात वगैरह कर सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर आपको निंजा बेल स्मार्ट वॉच में कुछ एक्स्ट्रा फीचर मिल जाते हैं, जैसे कि इनबिल्ट गेम का। तो गाइस आप अपनी स्मार्ट वॉच से गेम वगैरह प्ले कर सकते हो, जो भी एक आध दो आपको दिया रहेगा, और उसमें आप टाइम पास वगैरह कर सकते हो। साथ में यहाँ पर आपको वॉइस असिस्टेंट का भी फीचर्स मिल जाने वाला है। तो गाइस आप निंजा बेल स्मार्ट वॉच से गूगल एज वेल एज सीरी को भी एक्सेस कर पाने वाले हो। अब यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं इन दोनों ही स्मार्ट वॉचेस के हेल्थ मेजरमेंट के बारे में। गाइस आपको बीम कॉलिंग स्मार्ट वॉच में हार्ट रेट मेजरमेंट, स्लीप रेट मेजरमेंट, SpO2 मेजरमेंट एंड फीमेल हेल्थ साइकिल टाइप के मेजरमेंट मिल जाने वाले। इसके अलावा यहाँ पर आपको 60 स्पोर्ट्स मोड के भी सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाने वाले। वहीं बात करते हैं फायरबोल्ट निंजा बेल स्मार्ट वॉच की, यहाँ पर भी आपको हार्ट रेट मेजरमेंट, स्लीप रेट मेजरमेंट, SpO2 टाइप के मेजरमेंट एंड ब्रीदिंग मेडिटेशन टाइप के फीचर्स वगैरह मिल जाने वाले। इसके अलावा यहाँ पर आपको 60 स्पोर्ट्स मोड के भी सपोर्ट वगैरह देखने को मिल जाने वाले। अब दोस्तों यहाँ पर बैटरी लाइफ एंड IP रेटिंग्स के बारे में बात करते हैं। गाइस आपको निंजा बेल स्मार्ट वॉच एंड बीम कॉलिंग, इन दोनों स्मार्ट वॉच में 5-7 डेज के आसपास बैटरी लाइफ वगैरह देखने को मिल जाने वाला है। साथ में इन दोनों ही स्मार्ट वॉच में आपको IP68 का सर्टिफिकेशन देखने को मिल जाने वाला है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, जो की इन दोनों स्मार्ट वॉच में बिल्कुल सिमिलर सा है। तो गाइस इन दोनों स्मार्ट वॉच में आपको स्मार्ट नोटिफिकेशन टाइप के फीचर्स मिल जाने वाले हैं। नोटिफिकेशन को कंट्रोल एंड मैनेज कर सकते हो, म्यूजिक कंट्रोल एंड कैमरा कंट्रोल टाइप के फीचर, वेदर फॉरकास्टिंग का भी अपडेट वगैरह देखने को मिल जाने वाला है। दोस्तों ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशंस कंपैरिजन इन दोनों ही स्मार्ट वॉच के बारे में। बात करते हैं प्राइस पॉइंट वगैरह क्या होने वाली है। फायरबोल्ट निंजा बेल स्मार्ट वॉच आपको मिल जाने वाली है 3500 के आसपास। वहीं दोस्तों बात करते हैं फायरबोल्ट बीम कॉलिंग स्मार्ट वॉच की, करंटली इसकी भी प्राइस कंफर्म तो नहीं, लेकिन 3500 के ही आसपास ये भी आपको देखने को मिल जाने वाली है। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली बात करते हैं इन दोनों स्मार्ट वॉच में से कौन सी ज्यादा बेहतरीन स्मार्ट वॉच हो जाती है, क्योंकि दोस्तों कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको मिल जाते हैं फायरबोल्ट निंजा बेल स्मार्ट वॉच पे। वहीं दोस्तों थोड़ी सी बड़ी डिस्प्ले मिल जाती है आपको फायरबोल्ट बीम कॉलिंग स्मार्ट वॉच में। तो गाइस इनकी कॉस्ट कटिंग तो किया ही गया है। तो गाइस अगर आपको फीचर ज्यादा चाहिए तो आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाता है फायरबोल्ट निंजा बेल स्मार्ट वॉच, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स आपको देखने को मिल जाने वाले हैं। वहीं दोस्तों अगर आपको बड़ी डिस्प्ले चाहिए तो फिर आपके लिए ज्यादा बेहतर हो जाता है फायरबोल्ट बीम कॉलिंग, यहाँ पर भी लगभग सिमिलर से फीचर मिल जाते हैं, लेकिन कुछ फीचर जैसे कि इनबिल्ट गेम वगैरह का फीचर आपको नहीं मिलता है। दोस्तों ऐसा कुछ है डिजिटल कंपैरिजन फायरबोल्ट बीम कॉलिंग स्मार्ट वॉच वर्सेस फायरबोल्ट निंजा बेल स्मार्ट वॉच के बारे में। आई होप गाइस आपको वीडियो जो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस आपके लिए प्रोवाइड करते रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ऑलवेज लाइव हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।